वाह यार, ने शॉप खोली है नए साल में। क्या क्या है सामान नए साल में? दुकान खुल गई यहाँ पे, हमें पता ही नहीं चला, हम सोते ही रहे। बस है? वाह, बस है, पर्स है, बुक है, ये किट रखी है। अरे वाह, साइकिल भी है जिसको लेना हो नए साल में। ये क्या है? आपको पता है पर्स चाहिए? ठीक है, लाओ हम पर्स लेंगे। कितने का है पर्स? 2 रुपए का है। 2 रुपए में? इतना सस्ता क्यों दे रहे हो भाई? नए साल में ऑफर चल रहा है क्या? डिस्काउंट चल रहा है? नए साल का डिस्काउंट है? ठीक है, हम 2 रुपए देते हैं। ठीक है, थैंक यू। इधर तो आओ। अभी बेटा, एग्जाम वो कितनी बढ़िया ऑर्गेनाइज दुकान खोली है उसने नए साल में। तो अभी मैंने शाम के टाइम ये सब कंबल वगैरह तय करके रखे हैं, क्योंकि दिन में आज छुट्टी भी थी, तो ओढ़ के ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा था, सो गए। चाय वाय के बर्तन भी यही रखे, तो अभी मैं सब उठा के रख के आई हूँ। ये देख कौन सा अच्छा लग रहा है, इधर देख। कान्हा जी की बेड बोल रही थी ना, तो मुझे पता है आसन तो है मेरे पास बैठने वाले, भगवान जी का आसन है, लेकिन बेड नहीं है। तो मैंने सोचा था कि मैं कोई अच्छा सा बेड मंगा लूं। काफी दिन से सोच रही हूँ और दिमाग से निकल जाता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे से बेड दिख रहे हैं। इसमें बिस्तर है या बस ऐसे लग रहा है कि बिछा हुआ? बस है, बिस्तर नहीं है ना? है बिस्तर? हाँ, कंबल तो नहीं है, पतली सी चादर है बिल्कुल। ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल डबल बेड जैसा कंबल। हाँ, और मम्मा हाँ, मुझे बस वाला बेड चाहिए। ठीक है, मंगा देंगे। ये भी अच्छा लग रहा है, ये देखो। एक बताओ कोई सा। ये अच्छा लग रहा है, यहाँ तो सारे अच्छे लग रहे हैं। जिसमें सारी चीजें, गद्दा वद्दा अच्छा हो वो वाला दे। इसमें है पर्पस तो पूरा हो, जिसलिए उस ये गद्दा है या बेड सीट बस है? हाँ है, तो इसमें गद्दा वद्दा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? गद्दा दे रहे हैं। दो हैं क्या साथ में इसमें? दो हैं, एक ही है? एक ही है, ये नेट है शायद। अच्छा, क्या क्या है उसमें लिखा होगा ना? तो बहुत सारे भगवान जी के बेड देखे, उसमें से नंदनी ने 2 पसंद किए थे, कि येलो वाला, तो इसमें मुझे गद्दा नहीं समझ में आ रहा था, एक वाइट कलर का, तो फिर मैंने वाइट वाला ऑर्डर कर दिया, वो मुझे अच्छा भी लग रहा था। इसका जो ब्रश है, ये देखिए ब्रश, आप लोग भी देखिए, ये देखिए ब्रश, ये देखिए हार्ट शेप में है ना पूरा, जिससे ये फॉर्मिंग फेस वॉश है। ये फेस पे लगाएंगे तो पूरे में अच्छे से फॉर्म एकदम इक्वली लगेगा फेस पे, और बहुत अच्छे से क्लीन करेगा। और साथ में इसमें हल्दी के एक्सट्रैक्ट है, रियल हल्दी के एक्सट्रैक्ट है, जो कि स्किन में इंस्टेंट ग्लो लाएगा। और इसकी आप पैकेजिंग देखिए, एकदम अलग पैकेजिंग है इसकी, एकदम अलग लुक आ रहा है। और इसमें जो हार्ट शेप का ब्रश दिया हुआ है, इससे जो हल्दी के एक्सट्रैक्ट निकलते हैं ना फोम बेस में, ये देखिए, ये आपके फेस को डीपली क्लीन करता है, कोने कोने तक ये आपके फेस को एकदम क्लीन कर देता है। और हल्दी है इसमें, इसलिए ये इंस्टेंट ग्लो लाता है। और साथ में वॉश करने के बाद में आप जब ये मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएंगे, तो उसके बाद में आपकी स्किन डीपली मॉइस्चराइज होगी और ग्लो करेगी, क्योंकि इसमें टर्मरिक के साथ साथ में एलोवेरा है, जो कि आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो लाता है। तो बहुत ही असर करेगा आपकी स्किन में, सर्दियों में एक बार जरूर ट्राई करिए। तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं और सर्दियों में अपनी स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, और आप भी ग्लो वाली स्किन पा सकते हैं। सच में आपका चेहरा तो बहुत ग्लो कर रहा है। हाँ, तो इसको ही ट्राई करना। हाँ, अब तो पक्का करूंगी, आपके फेस में देख लिया ना इस।
इन दोनों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, जहां से जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं और एक बार इनको ट्राई करके देखिए, आपको सच में आपकी स्किन में बहुत फायदा होगा। तो चलिए, फिलहाल सैटरडे है तो हमें बाहर जाना है, तो इसलिए हम तैयार हो रहे थे। आपने बिगाड़ा है हाल, नंदिनी तेरा रूम पूरा उलट पुलट करके चला गया है, ये देख। ओ क्या नहीं दूंगा, गुस्से में करके आया है सब। हेलो हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। थोड़ा सा बाहर चलते हैं, घुमा लाते हैं सबको बीच रोड तक और गोलगप्पे खाते हैं। ऐसे खींचते हुए जाओगे क्या? क्या क्या इसको कह रही, कैसे खींच रहा है? मुझे गोलगप्पे खाना है। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे आयन के कपड़े नहीं बदले, मैंने जानबूझ के उसको ये कैप वाली पहनाई है क्योंकि बाहर हवा चल रही है, उसके पास बहुत है। कार से चलेंगे, हमने भी तो नहीं बदले, कार से चलेंगे बाहर, कार में चलेंगे बाहर ना। जो लाए थे वो दिखाए हैं आज तक? है नहीं, है नहीं। अरे मैं पहनने ही नहीं है मुझे कभी जो लाया था। और लाइट है कौन ऑफ करेगा, जाना है तो गेट लगा दो, तो चूहा घुस जाता है उस कमरे में। बीन सीन से रखे हैं तुम्हारे कहाँ पे? आया अनजाए बीन बैग में। चलो 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 जल्दी आ गई नंदनी, ठंड लगेगी बाहर, स्वेटर पहन ले। मेरा बस चले, मैं सबको स्वेटर पहना दूँ, खुद तो पहनी नहीं हूँ। सर्दी है, येलो येलो दिख रही है मेरी स्लीपर, देखो मेरी ये यहाँ की पार्किंग है अपार्टमेंट की, और मेरी भी स्कूटी यही कहीं खड़ी होगी, और वो स्कूटी हाँ दो तीन महीने से, मतलब जब से यहाँ आए तब से वो चली नहीं है, क्योंकि मेरे को तो चलानी है नहीं और कोई चलाने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो अपनी चलाते हैं। इस लड़की से कहती है स्कूटी यहीं पे रोड पर पूरा प्लेन है, चलाया कर प्रैक्टिस बनेगी। मैं वो आती मैं भी सोचती हूँ, डेली सोचती हूँ कि स्कूटी चला भी ये खड़ी है, थोड़ा सा इस बात में वो रह जाती हूँ कि कोई साथ में नहीं है। साथ में मैं चलाने लायक होती थी जरूर, तो बैठा के चलाती पहले की तरह, कोई और पहले बैठा लेती थी, मतलब कि ये रहता है ना कि कोई पास में हो, बाहर खड़ा रहे तो मैं चलाऊं, अगर सोचती हो डेली रह जाती हूँ। नहीं की नहीं खड़ी है, मैं चला के देखूंगी। खूब चला सकती। अरे हट जाओ सामने से, घोड़ा आगे। और ये देखिए कितनी रौनक लगी हुई है यहाँ पर बीच रोड में, क्योंकि एक तो नया साल आ रहा है और दूसरा वीकेंड भी है, इस वजह से भी भीड़ हो रही है। जो अभी यहाँ पे एक मौसम हो रहा है ना, हल्की हल्की सी, बिल्कुल ठंड है जरा जरा सी, तो इस टाइम पे लोग आइसक्रीम का भी खूब बराबर मज़ा लेने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं तो ना खाती हूँ ना खाने देती हूँ, तो हम तो गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। लेकिन आज गोलगप्पे वाले भैया की यहाँ भी ऐसी भीड़ थी, ऐसी भीड़ थी मैं बता नहीं सकती हूँ। कह रहा है सुकर है, मुझे लाइट वाले गुब्बारे दिलाते। वो कह रहा है, कहना ये चाह रहा है भगवान करें ये मुझे दिला दें, काश ये दिला दें। बहुत भीड़ है, कहाँ से खाओगे गोलगप्पे? छीन के खाओ, छीन के हैं, जाओ छीन लो जाके। बहुत भीड़ है। अरे रुक जा, तू किधर बैठा रहे? वाला एक है, कम से कम 20 लोग खड़े हैं कटोरी लेके उसके चारों तरफ, कहाँ से खिलाए बेचारा है।
ये गोलगप्पे खाने में ये होता है, जो लोग खा रहा होता है वो तो खा ही रहा था, अगला वाले के मुंह में पानी आ रहा होता है पहले से। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा रहा कि गोलगप्पे में आज मतलब अच्छे से खाने को नहीं मिले हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। एक बार में एक लड़का है अकेले, एक बार में 15-16 लोग थे खाने के लिए। किसी के में खाली पूरी आ रही है, अभी भी भीड़ लगी है। किसी के में आलू भर आ रहा है, किसी के में पूरी आ रही है, किसी में पानी आ ही नहीं रहा है, किसी की फूटी है तो पानी बह जा रहा है, किसी की फूटी आ रही है उसकी किस बारे में, तो सारी फूटी आई है। लौटते टाइम यहाँ पर शादी भी चल रही थी। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, और ग्रो यंग फेस वॉश और मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा।